कैसे काम चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, बैठ रहे सुबह से, कुछ भी नहीं गया बेटा, मुँह में कुछ नहीं गया, कहाँ तक बच्चे ला क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं और रो रहे हैं, हम सब महिलाओं को और सबको रो रहे हैं। सिंगर मीका सिंह का एक गाना है सावन में लग गई याद, यूपी में बारिश भी ऐसी हो रही है कि उस गाने के साथ आप इसे मिला सकते हैं। पूरे बरसात के सीजन में किसान पानी को तरसते रहे, अब जब सीजन खत्म होने को आया है तब बादल धुआंधार बारिश कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखिए, पानी में कारें ऐसी डूबी हैं, मानिए तालाब में मछली। दरअसल जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पूरा सीन है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में 21 सितंबर की रात 2 बजे से बारिश हो रही है। इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां तैरने लगी और दुखद तो ये है कि शिकोहाबाद के इलाके में एक घर गिरने से एक बच्ची की मौत भी हो गई। बारिश तो बारिश, जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया है उससे भी लोग नाराज हैं। लोगों के मकान डूब रहे हैं, मकानों में से सामान निकलवा के ऊंचे मकान उनमें ला रहे हैं, उन सामान को बच्चों को निकाल रहे हैं, बड़े समझदार को निकाल रहे हैं, गाड़ी बच्चों को बेकार हो गए सब लोगों के। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि काम ही नहीं कराते, विकास ही नहीं हो रहा है। तो नगर निगम तो कहती है स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? ग्रेट नोएडा बना देंगे, ये तो भाई जी मकान में नीचे पानी भर चुका है बारिश लगातार होने की वजह से, इसलिए छत पर एक महिला टिकी हुई है, बाकी बच्चों को सबको इनको बाहर निकाल कर दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। क्या क्यों वजह क्या है कि ये है, ये हाईवे वाला नाला टूट चुका है, कुछ पानी बारिश तो आप देख ही रहे हैं लगातार हो रही है। कुछ लोग छतों पर रह रहे हैं तो कुछ लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिरोजाबाद के बौद्ध आश्रम के एक मोहल्ले में खड़ी 100 से अधिक गाड़ियां पानी में डूब गई, तो रामगढ़ थाना क्षेत्र के इलाके जाटवपुरी में 35 से 40 गाड़ियां डूब गई। लोग गैरेज मालिक पर ही अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मेरी भी इसमें गाड़ी खड़ी हुई है और वो गाड़ी सुबह लगभग 10 बजे से लेके पूरी डूबी पड़ी हुई है। गैरेज वालों ने हमें एक भी फोन का सूचना नहीं दी। हम ये गम्मा वाल नगर निवासी हैं, सामने गली में रहते हैं, मात्र 2 मिनट की दूरी पे हमारा घर है, अगर ये फोन करते तो शायद हम अपनी गाड़ी बचा लेते हैं। गाड़ी है पानी में खड़ी हुई है और ये गाड़ी का गरीब का मालिक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा अभी तक, कुछ नहीं हुआ उसमें। हमारी तो यही हुआ कि केस किया जाए। कितनी गाड़ियां हैं लगभग? 100 वहीं उर्दू नगर मदीना कॉलोनी नई आबादी की स्थिति बेहद खराब है। कुछ इलाकों में लोग बिना खाने पीने के फंसे हुए हैं। परसों से भरा थोड़ा थोड़ा था, आज फुल हो गया। कैसे काम चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, बैठ रहे सुबह से, कुछ भी नहीं गया बेटा, मुँह में कुछ नहीं गया, कहाँ तक बच्चे ला क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं और रो रहे हैं, हम सब महिलाओं को और सबको रो रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई करता, जाते हैं गुंडे होंगे, गुंडिया खटकाते, चला हो जाएगा काम, हो जाएगा, मेंबर साफ करेंगे, मेंबर साफ करेंगे, मेंबर पास सब सबके पास जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, समझ लो 40 साल हो गए भुगतते भुगतते बेटा, जे दिन हो गए, कोई मट्टी तक एक ट्रॉली नहीं डलवाता, कोई ट्रॉली मट्टी की डलवा दे आगे ऐसी बोलू कैसे करें। फिलहाल लोग स्थानीय प्रशासन से काफी नाराज हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।